अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आप लोग का अपना भाई मुन्ना भाई हूँ। तो आज हम भाई अपने उमरकोट के एक हिस्ट्रिकल प्लेस में आ चुके हैं जिसको बोलते हैं मारवी का किला। तो अब हम उसके अंदर इंटर हो रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये उसका एंट्रेंस होता था पहले ज़माने में। ये भाई यहाँ से उनके ऊँट हाथी सब यहीं से जाते थे। तो इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है एक हिसाब से कि हमारे सिंधी कल्चर में इसे बहुत बड़ी बोला गया है और इनके बारे में काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। तो इसमें बताया जाता है कि एक उमर होता था, उसने आरवी को कैद किया था। तो वो जहाँ कैद किया था ना, वो ये जगह है। तो हम लोग आए हुए हैं और मेरा अजनबी आए हुए यहाँ पर आप लोग को बताने के लिए कि ये वही जगह है जहाँ उमर ने मारवी को कैद किया था। चल रहे, धूप बहुत है, गर्मी तो भाई अभी तो स्टार्ट ही हुई थी, सर्दियाँ भी गई थी और उमरकोट में तो गर्मियाँ जैसे आ गई हैं, अगस्त में चल रहे ऐसा लग रहा है। वो अब भी मेरा इंतज़ार कर रहा है पूरा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। वो खड़ा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, देख ही नहीं रहा भाई, बड़ा बंदा है ना। ये रहा, ये इनका म्यूजियम है ये, और आपको आगे भी बहुत कुछ दिखाएंगे। ये इसमें इसकी पूरी तारीख लिखी हुई है और किस कल्चर से हिसाब करता है ये, और इनको कौन अभी ऑर्गेनाइज़र इनके कौन है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, कब हुआ कैसे हुआ सब पढ़ा हुआ है, देख लें आप। चलते हैं आगे। भाई अगर वैसे घूमने की बहुत अच्छी जगह ही है वो है जिन पर इस पर लिखा हुआ इतलात हिंद तोप, ये हैं तोप, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नाम लिखा हुआ है। तो इस पर जूते या चप्पलें के साथ हम लोग इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, ये वो तोप है। और यहाँ पर इतलात उस अगर जो से उस इस हिदायत पर अमल नहीं करता उसके साथ कानूनी कार्रवाई होती है भाई। तो यार ये पहले बहुत अच्छा होता था, बरसातों की वजह से इसमें थोड़ी ऊंच नीच आ गई, जब पूरा सिंध डूब गया था, पूरे सिंध की ऐसी हालत हो गई थी सिंध गवर्नमेंट की वजह से। तो इस हमारे छोटे से किले के भी कुछ हालात ऐसे हो गए। इसका पूरा व्यू देख सकते हैं कि कितने एकड़ों पे ये है। और ये हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर मतलब इनकी हिफाजत का इंतज़ाम होता था। ये तोपें उस वक्त की रखी हुई हैं, अब चलती बलती हैं नहीं, ऐसे रखी हुई हैं। तो अभी हम ऊपर हैं, देख सकते हैं। तो यार मैं आपको अब बहुत उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ उमर ने मारवी को कैद किया था। वो कैद कुछ दिनों की नहीं, कुछ महीनों की नहीं, कुछ सालों की थी। ये वो है तहखाना, इसको उर्दू में अगर बंदा बोले तो तहखाना, जहाँ पहले ज़माने में कैदियों को रखते थे। अब इसका आप लोग को हम लोग अंदर का व्यू करवाते हैं कि कितना बड़ा है, कुछ ऐसा है अंदर से, कुछ अंदर से ऐसा है। अब
आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं और अंदर का चेक करवाते हैं। तो भाई ये अंदर से कुछ ऐसा है, ये देखें इतनी बड़ी जगह पर सिर्फ एक आरवी को कैद किया गया था। लेकिन वो कैद क्यों किया गया था यार, क्योंकि आरवी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और उसके साथ शादी करना नहीं चाह रही थी। तो उमर ने अपने जुल्म कर कर उसे अपनी मोहब्बत एक्सेप्ट करवाना चाह रहा था। लेकिन एक औरत है जो एक हिसाब से काफ़ी कमज़ोर भी होती है, और ये आर्मी ने प्रूफ करवाया कि औरत कमज़ोर नहीं है। औरत अगर अपनी अना पे आ जाए, अगर अपनी जिद पे आ जाए ना, तो क्या महल क्या बादशाह कोई अहमियत नहीं देती। हालांकि आर्मी की फैमिली काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुकात रखती थी। मसलन उनका काम होता था ये घर के जो हाथों पर नहीं क्या बोलते हैं यार, बिस्तरे जो बनाती हैं औरत टुक बोलते हैं, वो काम करती थी। तो उससे गुजारा होता था। और आरवी की अम्मी लोगों के घरों के काम करती थी, और उनके जो आरवी के अब्बू थे वो एक हारी थे। तो इतनी बड़ी जगह पर आरवी को अकेली औरत को कैद किया गया था। हालांकि वो कैद नहीं थी, मतलब उनको यहाँ पर सिर्फ रखा था उनकी खातिरदारी या मोहब्बत, जिससे उसको बंदा तकलीफ़ कहाँ दे सकता है, तो यहाँ पर रखा गया था। तो भाई आरवी ने वो मिसाल जैसे आजकल के वक्त में है ना, कि जिसके पास पैसा है उसी के साथ बंदा चले, ये वो, तो आरवी ने ये उस दौर में भी ये औरतों को बताया कि ये महलें ये बादशाह कुछ अहमियत नहीं रखती, जहाँ मोहब्बत ना हो ना वहाँ इस चीज़ का कुछ काम नहीं है। तो बाबू भैया औरत का चक्कर, ये औरत का चक्कर में आपको अच्छे अच्छे होगी ना। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है, वार्ड लगा देता है, वार्ड क्या बोलते हैं आपको यार, क्या बोलती कंपनी, काम खत्म कर देते हैं, काम खत्म अब चलेगी चले खत्म अब्बा, इसलिए बोलते हैं इश्क बिश्क ना करो, मोहब्बत मोहब्बत ना करो, इसमें कुछ भी नहीं है, पढ़ो IAS बनो आप भी। हाँ वही तो भाई, ये देखो अब फैमिली के घूमने के लिए अगर उनको पुरसकून आराम चाहिए तो भाई यहाँ आ जाओ। अब कितना कमाओगे, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दो, उनका भी हक है, और उनको अपने पुराने वक्त पुराने दौरों का उनको बताओ कि हाँ यार हमारे कुछ ऐसे राजा भी होते थे, उनका बताओ उनको। बस सारे दिन उनको गेमों के अंदर या ये मत उनको बताओ, उनको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाओ कि उनका माइंड फ्रेश भी हो। तो उनको बाहर बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, समझ रहे हो ना बेटा, मौज करती मौज। खैर भाई ये अकेले बंदे का तो काम नहीं है कि इसको पूरा एक दिन में हम लोग घूम सकें, बहुत बड़ा है भाई। चलते चलते सांस ऊपर नीचे हो रही है, क्या बताऊँ, पीछे का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अब भी इसको पकड़ो। तो भाई अब इसके ऊपर चढ़ते हैं, तो क्या चल रहा है उस साइड, या कहाँ ये इधर किधर, भाई ने बोला करने का तो करने का। इस तरफ तो आई नहीं है काल पे वा। हाँ भाई ये क्रिकेट खेल लें,
ये दीवारें इसकी इतनी ऊंची हैं ना अब्बा, एक कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ से भागने का। हालांकि आरवी ने बेचारी ने एक दो दफ़ा ट्राई एक दो दफ़ा बेचारी ने कोशिश की कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पर पाशा उमर जो थे ना हमारे उमर मियाँ, वो बहुत बहुत ही ना खातिर और दिमाग वाले थे। हाँ ये देखो बच्चे क्या बोल रहे, हो गए चुप, निकल गई हवा, बस हवा निकल गई। सही है बे भूतनी के, क्या बोल रहे हो। खैर भाई ये देख लें आप, अगर आप लोग को इधर आना है तो भाई सिस्ट्रिकल प्लेस को आप पहले इसकी थोड़ी स्टडी कर लीजिएगा, हो सकता है फिर आपको आसानी हो, वरना फिर आपको हर किसी से यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि ये जगह कहाँ है, ये जगह है कहाँ कहाँ है। उससे होता ये है कि थोड़ा इंसान को ना आसानी हो जाती है, इंसान ने जब अगर उस चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ हो या कहीं उसने देखा हुआ हो, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो इससे भी आपको आसानी होगी। भाई आसानी होगी, और भाई ऐसी जगहों पे जाना चाहिए हम लोग को, और ये सिर्फ हमारे सिंध में नहीं है, पूरे मुल्कों में पूरी दुनिया में ऐसे कई राजा थे, उनके ऐसे बड़े बड़े आलीशान महल अभी भी हैं, पर उनका तामीराती काम होता नहीं है, तो वो दिन ब दिन उनका हाल बदहाल हो रहा है, लेकिन इनकी यार इंतज़ामी अच्छी है। और मैं आपको एक दूसरी बात बताऊंगा, हर किसी को अब दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि भाई ये उमर की कब्र कहाँ है, तो उमर की कब्र है अच्छो, क्या नाम था यार, अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा, अपने नाम क्या था, क्या अछड़ो थर में उनकी कब्र है, बाकी आरवी का तो पता ही नहीं है। फिर बस फिर आरवी का पता भी नहीं, और मैंने काफ़ी लोगों से भी पूछा, उनको भी इस बारे में कोई इल्म नहीं है, गर्मी है भाई। चलो फिर इस ब्लॉग का करते हैं हम लोग एंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।